Hello guys, a warm welcome to you all on our channel God's Glory by Sukmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे. आज की tarot card reading का session आपके person की current feelings पे होने वाला है. आपके person इस वक्त क्या feel कर रहे हैं, आपको लेकर उनकी energies क्या कह रही हैं. अगर आप no contact situation में है, separation में है, आपकी बात नहीं हो रही अपने person से, उनकी energies हम जानने की कोशिश करेंगे. ओके एंड जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल. उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है, आपको सही गाइडेंस मिल पाती है. तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए एंड रीडिंग पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा. मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहाँ पे भी इस तरीके की रीडिंग्स देख सकते हैं एंड अपना प्यार दे सकते हैं. एंड मेरे सिर्फ ये दो ही चैनल्स हैं और कोई चैनल नहीं है. एंड जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं 9711091181, सिर्फ वही मेरा नंबर है और मेरा कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है. ओके तो बोलना चाहूँगी आप सब लोगों को, जो भी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड जो लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी फॉर द सेम. अब यहाँ पर जल्दी से देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स. इस वक्त आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या कह रही हैं आपको लेकर. थैंक यू, यू हैव गॉट टू कार्ड्स. ओके द फर्स्ट वन इज एस ऑफ सोड्स, देन वी गॉट फाइव ऑफ सोड्स, टू ऑफ वॉन्स. Three of Swords. Nine of Pentacles and the Sun. Bottom of the deck में Nine of Wands है. Okay. क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त में? मुझे गाइज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पर्सन के साथ आपका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या फिर किसी दूसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में कोई फाइट हुई है. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने हो सकता है अपनी गलती तब नहीं मानी है, बट अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि शायद ये गलत थे उस बात के ऊपर जिसके लिए इन्होंने अपोलोजाइज़ नहीं किया. हो सकता है इन्होंने आपको ब्लेम किया, आपसे लड़े, आर्ग्यूमेंट बहुत हीटअप हो गया और आप दोनों की लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ गया. हो सकता है कि आप ब्रेकअप आप लोग का हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है या बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो फाइव ऑफ सोर्ड्स है वो हमको ये बता रहा है कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में हुआ है या फिर किसी चीज़ को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे, कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में. साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों के रिश्ते के अंदर चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट दिस पर्सन इज़ स्टिल स्टक ऑन यू. ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ कम्प्लीटली एक फेलियर है, आपके बगैर इनकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है. आपके ऊपर से ध्यान नहीं हटा पा रहे हैं और जब भी ये पर्सन सोचते हैं कि आगे बढ़ जाएँ या आपको छोड़कर, जैसे आप लोग का ब्रेकअप हो गया है, तो जब भी ये सोचते हैं कि आगे बढ़ जाएँ ना आपके पास आए, तो इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है. ये स्टक रहते हैं, ना ही कोई काम कर पाते हैं, ना ही किसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाते हैं ये पर्सन. और मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो जाता है जैसे इस पर्सन के अंदर, तो कुछ भी अच्छे से नहीं होता है, काम ज़बरदस्ती करते हैं जैसे ये पर्सन. यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ. इनको ऐसा लगता है कि यू आर मदर लाइक, होता है ना कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को लेकर बहुत कंसर्न्ड रहती है, बार बार पूछते रहना, बार बार यू नो अटेंशन उनको वो चाहिए रहता है आपसे. एंड जिस तरीके से आप उनको प्यार देते हैं उसमें कोई कंडीशंस नहीं होती हैं, आप अनकंडीशनल लव उनको देते हैं, प्यार देते हैं, कंसर्न देते हैं दूसरे के साथ, इतना ज़्यादा आप दोनों इन्वॉल्व हैं वो मुझे ये कार्ड बता रहा है. स्पेशली वो बहुत ज़्यादा आपको इस तरीके का पर्सन समझते हैं जैसे कि जिससे कि मुझे सच्चा प्यार मिलता है, जो बहुत इमोशनल है, जो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, जो मेरे दिल से जुड़ी हुई है, इस तरीके से वो आपको समझते हैं. और उनको ऐसा लगता है कि ये भी ज़रूर मेरे बगैर बहुत परेशान होगी, इमोशनल होगी और स्ट्रेस में होगी. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन इस बात को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर कि आप
एक्चुअली इनसे दिल से जुड़े हुए हो, आपका सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपका प्यार इस रिश्ते को बहुत खास बनाता है, आपको बहुत खास बनाता है। आप के ऊपर ये पर्सन आंखें बंद कर विश्वास कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, ये पर्सन सबसे पहले आपके बारे में ही सोचते हैं। और अब इस चीज़ का रियलाइजेशन इस पर्सन को है, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प है या कोई किसी भी तरीके की गाइडेंस है, कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है, कुछ इमोशनल हेल्प है, ये पर्सन आंखें बंद करके आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपसे इनको वो सब कुछ मिलता है जो कि इनको इन्होंने हमेशा से सोचा है अपनी अपनी लाइफ में, कि हाँ मुझे ये चाहिए, इस तरीके से चाहिए, इस तरीके से मेरा लाइफ पार्टनर होना चाहिए जो मुझे ये भी दे, मुझे वो भी दे। वो सारी चीज़ें इनको आप में दिखती हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत ही केयरिंग लविंग एनर्जी इनको आपसे मिलती है। एंड अभी भी आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, एंड इनको ये भी फील हो रहा है कि आप भी इनको बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है जो हमको बता रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स ये पर्सन यू नो आपके साथ करना चाहते हैं और आप भी इनके साथ करना चाहते हैं। कोशिश इनकी ये है कि आपकी तरफ से कुछ अगर इनिशिएट हो जाए तो हो सकता है कि इनकी ईगो थोड़ी सी सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि इनकी ईगो भी इनके अंदर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा है। एंड इतना बात तो पक्की है कि ये पर्सन आपके बगैर कुछ भी नहीं फील करते हैं, एज एन इनकम्प्लीट फील करते हैं, और ऐसा फील करते हैं जैसे कुछ भी नहीं है आपके बगैर। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या आपने कोई इस तरीके की बात इनको कह दी है जिससे ये हर्ट हुए हैं, और इनको ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि आप अपनी गलती नहीं मान रहे हो, इनके आगे इस तरीके से आप आर्ग्यू कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन एक पॉइंट पर ऐसा जो है एनर्जी में आ जाते हैं जहाँ पर कि ये सामने वाले की बात शायद सुनते ही नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर ये कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत गुस्सा हो जाते होंगे और बहुत बुरा भी बोल देते होंगे, पता नहीं चलता इनको क्या बोल देते हैं, तो कम्युनिकेशन में इश्यूज हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि इनके माइंड में वो बात जाती ही नहीं है कभी कभी जो आप बोलते हो, स्टक हो जाते हैं जैसे ये पर्सन, ओके, एंड अपनी ही बात रखते रहते हैं, अपनी ही बात बोलते रहते हैं, ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। और आप बोलते हो यार इसको समझ क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहा है या कर रही है जो मैं इसको बोल रहा हूँ या कह रही हूँ, क्यों नहीं समझ रही है ये, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर हो सकती है, राइट। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, अगर आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली आप एक दूसरे से बात करोगे ही करोगे, या तो ये आपको अप्रोच करेंगे, आप इनको अप्रोच करोगे, कि ये पहले शायद देख रहे हैं कि आप कितने टाइम इनके बगैर रह सकते हो, कितने दिन इनके बगैर रह सकते हो, फिर ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई भी जो भी लोगों को अगर आप बीच में इन्वॉल्व नहीं करो इस रिलेशनशिप के लिए, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि और लोगों को इन्वॉल्व करने से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस और होता जाएगा, प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएंगी और हर्ट हो जाएंगे आप भी और आपके पर्सन भी, ओके। तो यहाँ पे मुझे ज़रूर जीत दिख रही है, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करें इस रिलेशनशिप के लिए, उसके लिए भी मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलने वाली है, ग्रोथ है, अच्छा जितना सोचेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होता जाएगा। दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे, ये पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, ओके, आप दोनों का मीटिंग हो सकती है, आप दोनों कहीं एक दूसरे के साथ घूमने जा सकते हो, कुछ डिसीजन ये पर्सन लेंगे, कुछ चॉइसेस, जैसे अगर इनके पास दो चॉइसेस है तो कुछ ऑप्शंस जो भी हैं इनके पास, तो उसमें कुछ चूज़ कर सकते हैं पर्सन, कुछ डिसीजन ले सकते हैं। साथ में मैं ऐसा भी फील कर पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं, और इनको ना बात बात पर जब भी आपके बारे में सोचते हैं ये इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, और इनको डर भी है कि आपको खो देंगे, और जो भी आपको देखता भी होगा, आपसे बात भी करता होगा, वो पर्सन इनका बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। आपको किसी के साथ देख नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा पजेसिव भी है ये पर्सन। साथ में मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि हर्ट है कुछ बातों को लेकर, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, पर इनके दिल में आप ही हो, आपके साथ रहना ही है, क्योंकि यहाँ पे हमको जो है नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी मिला है, जो हमको अगेन ये दिखाता है कि ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप ही के साथ सब कुछ ये करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, राइट। बट कभी कभी मुझे लगता है आप दोनों के बीच में फ्रीडम को लेकर भी इश्यूज होते होंगे, या तो आपको फ्रीडम चाहिए होती है, इस पर्सन को फ्रीडम चाहिए है, दोनों में से किसी एक के साथ हो सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए मैं ये ऑप्शन दोनों रख रही हूँ आपके लिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेस जैसे आप इस पर्सन को नहीं देते हो या ये आपको नहीं देते हैं, इस चीज़ को लेकर भी कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में होते होंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप इस रिश्ते को लेकर मांग रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। शादी ये आपके साथ देखते हैं, शादी को लेकर ये आपके साथ सोचते हैं, डेफिनेटली कुछ ये आपको कुछ बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है
इस रिश्ते के लिए, हो सकता है इस पर्सन को भी करना पड़े. और एक्चुअली ये पर्सन केयरलेस है. अगर आप इस चीज़ पे आपको प्रॉब्लम होती है, आप दोनों का लड़ाई झगड़ा होता है कि ये पर्सन जो है आपकी बात नहीं समझते हैं, तो एक्चुअली ये केयरलेस है. इनको अंडरस्टैंडिंग होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये समझते थोड़ा लेट हैं. अपनी वो बॉसी एनर्जी ज़्यादा मुझे दिख रही है, या अपने आप को सुपीरियर समझना हर चीज़ में, ऐसा हो सकता है. बट देखिए, हर एक में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, राइट? तो थोड़ा सा अगर हम वक्त दें उस इंसान का, थोड़ा हेल्प करें उसको समझने में, अगर हम उसका हेल्प करें, या फिर कुछ भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसमें उस चीज़ में अगर हम उसका हेल्प कर सकें, तो प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट हो सकते हैं. ओके, एंड बहुत तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो सकते हैं. बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, कीप प्रेइंग. एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास दो क्वींस भी थी, हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी है. तो ये पर्सन आपको एक्चुअली आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपके बगैर ही अपनी ज़िंदगी नहीं देखते हैं, आप ही के साथ ये शादी करना चाहते हैं, आपको ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो. स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली मुझे आती हुई दिख रही है. एंड होपलेस नहीं होना है. जो भी थर्ड पार्टी है, अगर वो इस रिश्ते से चली जाए, जितना जल्दी उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा. अब मैं यहाँ पर ये देख लूँगी गाइज कि और क्या कह रही हैं आपकी एनर्जीज, आपकी एनर्जीज और क्या कह रही हैं, आप दोनों की फीलिंग्स कैसे, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, आगे क्या हो सकता है, और जानने की कोशिश कर लेते हैं वन लास्ट टाइम. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. लव इज ऑल अराउंड यू, देर इज लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रूथ. तो हो सकता है कि आप प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, आपको लग रहा है जो ये कर रहा है झूठ बोल रहा है, या फिर हो सकता है कि जो लोग रिश्तों में अपने आगे बढ़ गए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टक हैं, जो पीछे के रिश्ते से भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और अभी भी उनके पास कोई और ऑप्शन है, उनके लिए मैसेज आ रहा है. हो सकता है जिसके साथ आप अभी डील कर रहे हो, वो इंसान एक्चुअली आपसे प्यार करता है, हो सकता है आप उसको डाउट कर रहे हो. और अगर आप किसी एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, मुझे लग रहा है कि वो पर्सन भी आपसे प्यार करता है, बट शायद आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं. बट डेफिनेटली एनर्जीज मुझे बहुत खूबसूरती से बदलते हुए भी दिख रही हैं. प्यार इस रिश्ते में है, द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आईज. देखिए इस रिश्ते में, देखिए पोटेंशियल तो डेफिनेटली है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रिश्ता कहीं आगे नहीं जा सकता है, डेफिनेटली जाएगा, पर आपको कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा. इस पर्सन के प्यार को भी एक्सेप्ट करना होगा, और हो सकता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें आप गलत देख लेते हो, शायद वैसी सिचुएशन नहीं है. ओके, ट्रेजर योर लव्ड वंस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली. तो हो सकता है कि कुछ गलतियां आपकी साइड से भी हो रही हैं, शायद जो चीज़ें वो आपसे चाहते हैं आप भी उनको नहीं दे पा रहे हो. देखो अगर ऐसा कुछ है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो. नंबर 16th, नंबर 22nd, यानी कि 22, 16th एंड 10th मुझे यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए. जिससे भी प्यार करते हो उसको बताओ, वो सब आपके अंदर ही रह रहा है, शायद आप वोकल नहीं हो पा रहे हो अपनी फीलिंग्स को लेकर. अट्रैक्ट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इफ़ यू लॉन्ग मोर लव बी मोर लविंग. तो कभी कभी ना हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम भी होता है कि हम दिखा नहीं पाते हैं जो अंदर से फील करते हैं, और हम उस पर्सन का जो बिहेवियर देख के उस पर गुस्सा हो जाते हैं, उसको बुरा बोल देते हैं, अपनी बात ऊपर रखते हैं, कि हम अंदर से वो प्यार तो दिखा नहीं रहे हैं, बट उस पर्सन की एनर्जीज की वजह से डिस्टर्ब होकर जब हम बोलते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है ये तो हमेशा लड़ती है, ये तो हमेशा मेरे पे ब्लेम करती है, ये मुझे समझती नहीं है. तो वो प्यार आपका ना आके ना गुस्सा ज़्यादा आगे आ रहा है, तो उस एनर्जी को यहाँ पे हो सकता है आपको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़े. अगर ऐसा है तो प्लीज़ उसको बैलेंस कीजिए. रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल. वी ऑल हैव अ फंडामेंटल नीड टू टेक अ ब्रेक. सो यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन का आपके लिए मैसेज आया है, जो हमको बता रहा है कि रिलैक्स करो. आप बहुत जल्दी 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 चीज़ें चाहते हो, बहुत जल्दी एंशियस हो जाते हो, बहुत जल्दी सैड हो जाते हो, बहुत जल्दी खुश हो जाते हो, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हो. तो बैलेंस जब तक हम नहीं रहेंगे ना, तब तक हमें कोई भी आके ट्रिगर कर देगा एक मिनट में. उस एनर्जी को बैलेंस करना है. नंबर 42 यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए. नंबर 2,
एंड 11, 20, 29 इम्पॉर्टेंट है, 4, 13, 22 भी यहाँ पे मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। अब मैं आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस पिक कर लूँगी जल्दी से। आपके पर्सन आपको अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या है आपके लिए, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से, 4 मैसेजेस पिक करूँगी मैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I can cross million bridges just to meet you again. I'm sorry I pushed you away. तो अब ये पर्सन आपके लिए रेडी हैं, जैसे ये रेडी हो गए, इनका माइंड रेडी हो गया है, ये प्रिपेयर हो गए हैं, आपके पास आ जाना चाहते हैं एंड सॉरी भी फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपको पुश किया, इन्होंने आपको उस समय पर जो है आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। जैसे मैंने आपको बोला था ये पर्सन केयरलेस हो सकते हैं, तो आपकी पर्सन, इस पर्सन ने आपकी एक्चुअली इंपॉर्टेंस नहीं समझी है और अब ये पर्सन रेडी हैं मिलियन ब्रिजेस क्रॉस करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि अभी आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये आपको सॉरी कह रहे हैं कि इन्होंने आपको उस टाइम पे पुश अवे किया। यू आर द वन दैट मेक्स माई हार्ट बीट फास्टर, यू आर द वन हु मेक्स मी फील पीस इन केओज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे ये पर्सन को ना सेटिस्फैक्शन आपसे ही मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं होना चाहते हैं, नहीं हो पा रहे हैं, और इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, आप ही हो जो इनको शांति दे सकते हो, आप ही इनको प्यार देते हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम है अगर आप इनके साथ हो तो सब कुछ इनको बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप नहीं हो, जैसे अगर इन्होंने किसी चीज़ से आपसे बात नहीं करी है 5 दिन 6 दिन या फिर 2 दिन 3 दिन, और अगर आप भी इनको रिप्लाई नहीं कर रहे हो उस टाइम पीरियड के बाद, तो इनको बहुत एंशियसनेस होने लगता है, इनको ऐसा लगता है, एंजाइटी होने लगता है, इनको ऐसा लगता है कि आप जो है इनकी लाइफ से चले गए हो, कहीं दूर हो गए हो, जो चीज़ इनको बहुत परेशान करती है। तो यहाँ पे इनको ये बोलना है आपको कि आप हो तो इनको बहुत पीस महसूस होता है, प्यार महसूस होता है। And thank you for being there for me in my ups and downs. जब भी आप की इनको ज़रूरत थी, आप इनके साथ रहे हो हमेशा से, एंड उसके लिए आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि हर मुश्किल में, हर खुशी में आप इनके साथ रहे हो। लास्ट मैसेज, आई आस्क माई फ्रेंड्स टू कीप एन आई ऑन यू, आई आस्क देम अबाउट यू। हो सकता है ये आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो जिससे कि ये आपके बारे में खबर रखते हैं, खबर लेते हैं, या फिर आपको स्पाई करवाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, या कहीं ना कहीं से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ सब सेफ है। तो इस तरीके की एनर्जी भी दिख रही है बॉटम ऑफ द डेक में। आई एम नंब, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। तो इनको समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, बिल्कुल स्टक हो गए हैं जैसे ये पर्सन। ओके, तो आपकी वेलबींग की भी जैसे ये प्रे करते हों, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। सो गाइज, दिस इज इट, आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, रीडिंग को अपना प्यार दीजिएगा, एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या टैरो कार्ड सीखना चाहेंगे, प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।